सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। आयतल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितरों से महफूज रहेगा। वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसकी हरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सूरह अद-दुखान पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। जो करीबुल मर्ग हो उस पर सूरह जासिया का दम करने से खात्मा बिलखैर होता है। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर और बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ पढ़ने से जो बाग होते हैं उनके फलों में कसरत होती है, सुभान अल्लाह। सूरह रहमान 11 बार पढ़ने से तमाम मकासिद पूरे होते हैं। सूरह वाकया जो शख्स रोजाना पढ़ेगा उसे कभी फाका ना होगा। सूरह मुल्क को हर रात पढ़ने वाला अजाब कब्र से महफूज रहेगा। सूरह मुज़म्मिल को 11 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सूरह मुद्दसिर को पढ़कर हिफ्ज कुरान की दुआ मांगने से कुरान करीम का याद करना आसान हो जाता है। जो बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त वजीफा है। सूरह अन्नाज़िआत पढ़ने से जां कनी की तकलीफ नहीं होगी। सूरह दुहा पढ़ने से भागा हुआ आदमी वापस आ जाएगा। सूरह अलम नशरा को जिस माल पर पढ़ दिया जाए उसमें खूब बरकत होती है। सूरह तीन व तीन वज़ैतून जो है 3 मरतबा पढ़ने से अखलाक और किरदार बेहतर होते हैं। सूरह अलक में जोड़ों के दर्द का इलाज है। सूरह कदर जो सुबह शाम पढ़े अल्लाह अज़्ज़वजल उसकी इज्जत बढ़ा देगा। सूरह बय्यिना बर्स और यरकान का इलाज है। जिस आदमी या जानवर को नजर लगी हो उस पर सूरह आदियात का दम मुफीद है। सूरह कारिया पढ़ने से बलाओं से हिफाजत रहती है। सूरह तकासुर को 300 बार पढ़ने से जल्द कर्ज अदा हो जाता है। कई लोग कहते हैं जनाब कर्ज बहुत है, चले कुरान का वजीफा ले लें, अलहाकुम तकासुर, ये जो सूरत है 300 बार पढ़ने से बहुत जल्द कर्ज उतर जाता है। सूरह असर पढ़ने से गम दूर हो जाता है। सूरह हुमजा और सूरह फील दुश्मन के शर से हिफाजत के लिए और सूरह कुरैश जान की हिफाजत के लिए बड़ी मुजर्रब है, बड़ा कमाल का वजीफा है। सूरह माउन बड़ी मुश्किल के वक्त पढ़ना बहुत मुफीद है। सूरह कौसर की तिलावत से बे औलाद साहिब औलाद हो जाता है। कई बे औलाद भी वज़ाइफ मांग रहे होते हैं। सूरह काफिरून 1/4 कुरान के बराबर है। सूरह ज़िलज़ाल निस्फ कुरान के बराबर है। सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। और सूरह फलक और सूरह नास से जिन और शैतान और हासिदों के शर से हिफाजत रहती है। फिर क्यों ना हम कुरान से दोस्ती कर लें, क्यों ना कुरान को अपना विर्द बना लें।